आज के हमारे इस एपिसोड में वो हमें बताएंगी कि किस तरह पायरावास्तु के जरिए हम अपनी आर्थिक समस्याओं को दूर कर सकते हैं। हाय मैम, वेलकम टू आवर शो। हाय गरिमा, नाइस टू बी बैक। मैम, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगी कि किस तरह पिरामिड्स के जरिए हम अपनी आर्थिक प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं? पायरावास्तु में काफ़ी सारे टूल्स बनाए गए हैं जिसको पायरा टूल्स कहते हैं, जो आर्थिक समस्याओं के लिए स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं। जी, आर्थिक समस्याएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक, या तो आय कम हो, इनकम इज लेस, या एक्सपेंस इज मोर। ये दोनों चीज़ों की वजह से आर्थिक समस्याएं खड़ी होती हैं। तो पायरावास्तु में कई सारे टूल्स हैं जो या तो आपके खर्चों को कम कर सकता है या आपकी आय को बढ़ा सकता है। जी, सम ऑफ देम आर फॉर्च्यून सीट। ओके, ये एक किस्म की मैट तैयार की गई है, सीट तैयार की गई है, जो आप जहाँ भी आप काम करते हो जी, उसके और वहाँ पे रख के आप उस पर बैठ सकते हो। इट इज़ डिजाइंड इन सच अ वे दैट इट वर्क्स फेवरेबल फॉर यू, बिकॉज यू आर सिटिंग देयर, योर थॉट प्रोसेस बिगिंस फ्रॉम देयर। और आपकी सोच, आपके विचार, आपका लोगों का मिलना, आपकी बातें सारी वहीं पे शुरुआत होती है। तो शुरुआत से ही आपको उस चीज़ के लिए प्रोग्राम किया जाता है, उसे हम फॉर्च्यून सीट कहते हैं। जी। दूसरे एक चीज़ बनाई गई है जिसे फॉर्च्यून कार्ड्स कहते हैं, जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम रिलेटेड हैं, जैसे कि मनी एंड फाइनेंस, या बिजनेस एंड करियर, या लक एंड फॉर्च्यून। ये तीनों की वजह से लाइफ में कमियाँ, आर्थिक कमियाँ पैदा होती हैं। चौथी एक चीज़ जो बनाई गई है वो है विश पिरामिड। ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी इन्वॉल्वमेंट से आप खुद कर सकते हैं, वैसी चीज़ें हैं। विश पिरामिड मैं आपको दिखा सकती हूँ कैसा होता है। जी, दिस इज़ बेसिकली ए विश पिरामिड। इसकी डिज़ाइन जो है वो एक एंशियंट विजडम पे बनाई गई है, निर्धारित जो इजिप्शियन सिस्टम है। पिरामिड्स आर बेसिकली फ्रॉम द इजिप्ट। इसके अंदर ये एक डिस्क है, कॉपर डिस्क, जिसके अंदर बाकी नौ पिरामिड्स और हैं, एंड देयर इज प्लेट्स बिहाइंड टू एनर्जाइज दिस। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पुट योर स्पेसिफिक वेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम ऑन अ वाइट पीस ऑफ पेपर। इन रेड यू राइट योर प्रॉब्लम, पुट इट इनसाइड दिस, लॉक इट एंड शट इट, एंड cover it with your left, hold it in your left hand, cover it with your right, and put your wish inside it, asking for the cosmos to heal your specific problem, and getting you the best results possible which are destined for you. ye ek bahut hi simple sa tool hai. and how do you use it and where do you place this particular pyramid? aap kahan bhi rakh sakte hain, where you keep your god or where you keep your money. It is irrespective of any direction. It works for you. And how does it work? Supposedly, अगर आप एक विश अपनी एक चिट पे डालकर विश इसके अंदर डाल देते हैं तो कितने दिनों के बाद you see the results? First of all, एक ये चीज़ है कि इसके साथ आपका involvement daily होना चाहिए. In a sense, I mean, can you elaborate? यानी कि आप इसको हमेशा डेली बेसिस पे इसको चार्ज करें, आपकी विश को रिपीट करें. क्योंकि जब ये आप करते हो तब आप ब्रह्मांड में आपकी इच्छाएं तैरती हुई छोड़ देते हो, जहाँ से वो रिवर्स होके ब्लेस होके इस माध्यम से वापस आती है. दिस इज़ द वे इट वर्क्स. बट इन केस आप बाहर गांव हैं या यू कैन नॉट कैरी इट विथ यू और आपके पास समय ना हो तो कुछ बिगड़ नहीं जाता. यू कैन अगेन रिस्टार्ट इट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट व्हेन यू गेट अ चांस टू डू दैट. सो दैट इज़ हाउ द विश पिरामिड वर्क्स फॉर यू. लेकिन अगर आप अपने आपकी ऑफिस को ठीक करना चाहते हो तो एक आसान का सा तरीका है. एक ये सुपर मैक्स जिसको मैंने लास्ट एपिसोड में आपको दिखाया था कि इसका कैसे उपयोग किया जाता है. ये सुपर मैक्स को अगर आप घर के मध्य में या ऑफिस के सेंटर में लगाते हैं तो आपके 8 डायरेक्शंस वैसे ही मजबूत हो जाते हैं. तो इसको आप ऑफिस के सेंटर में लगा दीजिए और ऐसे ही एक मैक्स को आप नॉर्थ साइड के ऑफिस के नॉर्थ के दीवार पे लगा दीजिए यूं. एक आप लगा रहे हैं यूं जो सेंटर में है, नॉर्थ पे आप लगाएंगे फ्लैट वॉल पे, वॉल का सेंटर ढूंढ के. नॉर्थ इज़ द एरिया वेयर लक्ष्मी इज देयर, नॉर्थ इज़ द एरिया फॉर करियर,
तो यू आर एक्टिवेटिंग दैट लक फॉर यू. ओके, दिस विल ब्रिंग इंक्रीज्ड सेल्स. ओके जी, ब्रह्मस्थान को या सेंटर को आपने पावरफुल बना लिया जी, तो दैट विल ब्रिंग ऑल 8 डायरेक्शंस ऑफ लक फॉर यू. ओके, एंड एडिशनली जी, यू कैन यूज दिस टूल विच इज कॉल्ड पायरा एंगल. ओके, ये एंगल को आप साउथ वेस्ट में लगाएंगे जी, यू. ओके, ऊपर छत पे जी. व्हेन यू पुट दिस, व्हाट हैपेंस इज द साउथ वेस्ट इज द एरिया ऑफ एक्सपेंस. ओके, ये एक्सपेंसेस को कर्ब कर देता है, सो ऑटोमेटिकली इट हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन योर इनकम. इफ योर एक्सपेंसेस आर कर्ब्ड, आपकी इनकम वैसे ही बढ़ जाती है. ओके, तो इसका कॉम्बिनेशन जो है वो आप आपकी ऑफिस में यूज कर सकते हैं. 1 max इन द सेंटर, 1 max ऑन द नॉर्थ वॉल एंड 1 pyra angle इन द साउथ वेस्ट. This would take complete care of your financial problems at work, minus any Pyra Vastu consultant. Okay, but do you think using so many things together, कि हमें, I personally would just want to ask कि क्या हमें एक Pyra Vastu consultant की ज़रूरत है when you're using such so many things together? Generally इसकी ज़रूरत होती है. जी. लेकिन ये चीज़ आपके लिए pre-programmed है, easy to use है. Okay. और It comes with instructions that anybody can use it. Okay. कोई भी इंसान इसका इस्तेमाल कर सकता है. Knowing that how to use it. हाँ, अगर आपको इंस्ट्रक्ट कर दिया गया कि ये यहाँ पे आप लगा दीजिए तो यू कैन डेफिनेटली यूज इट. ओके, बट समझिए कि आप कंफ्यूज हो जाते हो दिशाओं में जी, या सेंटर ढूंढ नहीं पाते हो जी, या वो आपकी ऑफिस नहीं है जी, समझो आप कहाँ काम कर रहे हो जहाँ आप ये उपाय नहीं कर सकते जी, तो उसके लिए एक स्पेशल टूल है जिसको बोलते हैं स्वस्तिक पिरामिड. ओके, दिस इज अ स्वस्तिक गोल्ड पिरामिड. ओके ओके, बहुत ही भारतीय इतिहास में स्वस्तिक का उपयोग शुभता के लिए जी, बहुत जमाने से चल रहा है जी. इसको पिरामिड की ऊर्जा दी गई है. न्यूमेरिकली इट इज मेड वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, द कलर, द यंग कलर गिव्स द पॉजिटिव एनर्जी टू इट. रेड इज शुभ, वी ऑल नो. और ये जो गोल्ड पिरामिड्स इसमें लगाए गए हैं जी, इज टू अट्रैक्ट मोर एनर्जी एट द सेंटर पॉइंट्स ऑफ द स्वस्तिक. ओके, तो दिस बिकम्स अ कंप्लीट स्वस्तिक पिरामिड यंत्र. उसके पीछे जो है वहाँ भी आपको बहुत ही टाइनी टाइनी से पिरामिड्स दिखाई देंगे जी, जो एक उसको फोर्स ऐड करता है. और ये जो गोल्ड डिस्क्स हैं ये प्रोग्राम्ड हैं आपके लिए शुभता लाने के लिए, टू ब्रिंग वेलनेस इन वेल्थ, हेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी फॉर यू. सो दिस स्वस्तिक पिरामिड गोल्ड यू कैन यूज फॉर योरसेल्फ. एक ही चीज़ देखनी कि इसको ब्रास क्रू से लगाया जाए जो उसके साथ आता है. देर इज़ अ रीज़न टू इट, बिकॉज इट शुड नॉट बी कंड्यूसिव ऑफ एनी काइंड ऑफ अदर एनर्जीज. ओके, तो ये ब्रास के स्क्रू से आप इसको लगा सकते हैं. लगाने से पहले आपको सिर्फ लेफ्ट हैंड में पकड़ के राइट से उसमें इंटेंशन देना है कि गॉड ब्लेस मी, मुझे प्लीज़ आप आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक और आत्मिक सुख का आशीर्वाद दीजिए. और आपका काम हो गया. यू कैन पुट दिस इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ योर हाउस. ओके, अगर आप नॉर्थ ना समझते हो, कोई भी दीवार पे उसके लगा दीजिए, उसके काम में कमी नहीं. देयर इज नो साइड इफेक्ट्स. आप आपके अगर डायरेक्टर आपकी ऑफिस में है तो उनकी ऑफिस में लगा सकते हैं. आप आपके मेन डोर के एग्जैक्ट सामने की वॉल पे भी उसको लगा सकते हैं. नॉर्थ में लगा सकते हैं, साउथ ईस्ट सेक्शन जो आपके वेल्थ का है वहाँ भी लगा सकते हैं. और अगर आप चाहें तो बेड के सामने जहाँ आप रोज सुबह उठ के उसकी वाइब्रेशंस ले सके वैसे भी लगा सकते हैं. सो इट इज़ अ मल्टीपर्पज टूल विच एनीबडी कैन यूज. थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमें और हमारे दर्शकों को पायरा वास्तु के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी. थैंक यू सो मच मैम. थैंक्स करीमा.